ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। खबर हरियाणा से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पिछले 6 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने जितनी भी नई पहल की है वे सब किसान के हित में है। अभी हाल में ही केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 2 अध्यादेश, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 तथा मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और सुरक्षा समझौता अध्यादेश 2020 से किसान अपनी उपज की बिक्री मर्जी के अनुसार न केवल अपने राज्य में बल्कि दूसरे राज्य की मंडियों में भी कर सकता है। इस प्रकार वह अनुबंध खेती के तहत अपनी उपज पर किसी भी व्यक्ति या बैंक के साथ ई अनुबंध कर सकता है। अब उसे फसली ऋण के लिए बैंक के पास जमीन रहन पर रखने की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा निवास में बुलाए गए एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री खट्टर ने रविवार को हरियाणा निवास में बुलाए गए एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 6 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने जितनी भी नई पहल की है वे सब किसान के हित में है। अभी हाल में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 2 अध्यादेश, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 तथा मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और सुरक्षा समझौता अध्यादेश 2020 से किसान अपनी उपज की बिक्री मर्जी के अनुसार न केवल अपने राज्य में बल्कि दूसरे राज्य की मंडियों में भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की है कि वह इन अध्यादेशों के विषय में किसी के बहकावे में न आए। कुछ लोगों की आदत है किसानों को गुमराह करने की। किसान यूनियन के नाम पर भी देश में अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग तरह की राजनीति है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर भी कुछ नेता किसानों को बहकाते रहे हैं, परंतु अब किसान की समझ में आ गया है और अब किसान स्वयं अपनी फसल का बीमा करने के लिए आगे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल में ही केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए और आर्थिक पैकेज में 1 लाख करोड़ रुपए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया था, जिसके तहत वेयर हाउस, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री व अन्य शामिल है। उन्होंने कहा कि किसान की आय वर्ष 2022 से दोगुनी करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से फसलों की बुआई आरंभ होने से पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिए जाते हैं, इससे किसान अपनी इच्छा के अनुसार फसल बोने का मन बना सकता है। उन्होंने कहा कि ये दोनों अध्यादेश आने से अगर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी अधिक दाम मंडियों से बाहर मिलते हैं तो वह फसल बेच सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तो सरकार खरीदेगी ही, अन्यथा भावांतर भरपाई योजना में फसल के भाव को अंतराल को पूरा किया जाए। एक जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की धाराएं भी कुछ कम की जा रही हैं। पहले उसमें हर एक फसल के ऊपर यह था कि कोई व्यापारी इससे ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता, अब उसको भी छूट दी जा रही है, क्योंकि ओपन मार्केट में कोई भी खरीदता है उसको लगता है कि फ्यूचर में इसका रेट महंगा होगा, तो उस महंगे रेट का अगर होल्डिंग वाले को फायदा होगा तो किसान भी अगर स्टोर करता है, किसान को भी ये स्थिति बन सकती है कि वो अपना माल, जरूरी नहीं है कि पैदा होते ही खेत में अगर आज है तो कल उसने मंडी में लेके आना है। अगर किसान अपनी व्यवस्थाएँ वेयर हाउसिंग के माध्यम से, क्योंकि बड़े लेवल पर वेयर हाउसिंग, बड़े लेवल पर कोल्ड स्टोरेज, जो पेरिशेबल आइटम्स हैं वो कोल्ड स्टोरेज में भी स्टोर की जाएंगी, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज बढ़ाई जाएंगी, और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभी जो आत्मनिर्भर भारत में 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया गया है उसमें 1 लाख करोड़ रुपया इन चीज़ों के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिजर्व रखा गया है। उस 1 लाख करोड़ रुपये में मानो यही आधुनिक प्रकार की कुछ मंडियाँ बनाई जा सकती हैं, वेयर हाउसिंग बनाए जा सकते हैं, ड्रायर यूनिट लगाए जा सकते हैं। अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है, वेयर हाउसिंग हमारे यहाँ बहुत कम है। कोई भी किसान वेयर हाउसिंग में अपना जाके सामान रख सकता है, जब चाहे साल भर में बेचेगा, उसके बदले में अगर उसको पैसे की आवश्यकता होगी तो वो उस सामान को बैंक के माध्यम से उसका एडवांस ये ले सकता है, ताकि उसका पैसा उसको मिल जाए, एक पार्शल उसको पेमेंट हो जाए, उसका काम ना रुके। एक प्रकार से ये कहा जाए कि किसान को भी व्यापार करने की ओर आगे बढ़ाने के लिए सुनहरी अवसर है। किसान अपना व्यापार खुद अपनी प्रोडक्ट का ये करे, ये इसमें से इस मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं के घरों के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण, इसके नाम से ये अध्यादेश। अब आपके माध्यम से इसलिए आज कहने की आवश्यकता पड़ रही है, कुछ लोगों ने थोड़ा एग्रेसिवनेस दिखाई हुई है, खास करके हरियाणा पंजाब में,
कि नहीं इस अध्यादेश का विरोध किया जाए। तो अगर हम किसान के इंटरेस्ट में ये बातें हैं, ये किसान को पता लगती हैं, तो किसान को लगेगा अच्छी नई चीज़ हमारे लिए आई है, और उस विरोध के कारण से अगर कहीं इस अध्यादेश की खिलाफत होती है तो नुकसान किसान का होगा, इसमें और किसी का नुकसान नहीं होगा, बाकी सिस्टम तो अपने सब चल ही रहे हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए हरियाणा ब्यूरो की खास रिपोर्ट।